पता नहीं तू जिंदा भी आएगी या मुर्दा। कमर गार्ड कहां मर गया? सरकार मुझे मालूम नहीं, मैं तो सो रहा था। कहां है नताशा? बुलाओ उसे। मेरी सरकार आपको बुला रही है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी अच्छा। सरकार आप इस वक्त यहाँ? आप तो सुबह आने वाले थे ना। कहाँ है माही? कौन माही सरकार? तुम्हारी फ्रेंड। उसका नाम तो जारा है सरकार। नाम की बहस में बाद में पड़ेंगे, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है माही? वो अपने रूम में सो रही है सरकार। सरकार कमरे में कोई भी नहीं है। क्या जारा अपने कमरे में नहीं है? क्या हुआ मामा सिंह, क्या हुआ? तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ना, 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 ना। बाबा सही इंतजार ना, गंदा गंदा बाबा गंदा, ना ना नो 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 गंदा बाबा सही। सरकार ना लड़की है ना सिकंदर और ना ही मेरी मोटरसाइकिल है। ओह माय गॉड, लगता है आपका गार्ड मेरी फ्रेंड को लेके भाग गया। वो जितना भी भाग ले अपनी मौत से तेज नहीं भाग सकता। लगता है फखरुद्दीन आ गया, तुम चलो अंदर। कहाँ है वो बेशरम, कहाँ है? आज मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा जितने के उसने मुझे दुख दिए हैं। हमारे आने से पहले वो यहां से भी निकल गई है फखरुद्दीन।
सिकंदर। अम्मा 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 सिकंदर आया। इतनी रात के वक्त मैं देखती हूँ। तू लेटी रहे अम्मा, मैं उसको अंदर लेकर आती हूँ। ये लड़की कौन है? ये माही है। मेरी बीवी। बीवी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माही, ये मेरी फूफो है और ये इनकी बेटी सलमा। फूफो के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फूफो। ये लड़की कौन है? वो ये माही है फूफो, मेरी बीवी। तुमने शादी कर ली? वो बस कुछ अरसा पहले। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सलमा आजा, तू आ मेरे साथ। मैं से एक बात कहूँ? कहो। आप झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। भाई, कभी कभी मजबूरी के लिए झूठ बोलना जरूरी होता है। हाँ बोलो, क्या बात है? माही मिल गई? नहीं, हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गई थी। कहाँ? अगर ये मालूम होता तो हम कब के बे औलाद हो चुके होते। माही
सरकार मुझे मेरी मरी हुई मां की कसम है, मैं नहीं जानता कि उस लड़की में और हमारे गार्ड में क्या खिचड़ी पक रही थी। बकवास बंद कर अपनी। तुमसे अच्छा था मैं किसी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाल लेता, कम से कम आने जाने वालों पर भौंक तो लेता। अम्मा मुझे लगता है सिकंदर झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोला है उसने? यही कि वो लड़की उसकी बीवी है। उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अम्मा ये वही लड़की है जिसे उस दिन बाजार में देखकर सिकंदर डर गया था, वो लड़की भी उसे देखकर घबरा गई थी, और अब बोल रहा है कि वो उसकी बीवी है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो लड़की घबरा गई थी या सिकंदर झूठ बोल रहा था, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बेटी का मुंह उसको देख के मोतिये के फूल की तरह मुरझा गया। गॉड सरकार मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका गार्ड के साथ भी चक्कर चल सकता है। मैं समझती हूँ कि जारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके गार्ड को भी तो सोचना चाहिए ना, आपके एतमाद को ठेस पहुंचा रहा था। वो नहीं जानता हमारे एतमाद के साथ ठेस पहुंचाने वालों के लिए जमीन कितनी तंग की जा सकती है। हमें तो अफसोस तुम पर भी है कि तुम्हारी मौजूदगी में वो गार्ड तुम्हारी सहेली को भगा कर ले गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक बात याद रखिएगा सरकार, मैं बेशक अखबार से कटी हुई लड़की हूं, लेकिन आपके अखबार ने मुझे जगह जगह तक थीम होने से बचाया। मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। कब आओगे है शाबाश। सलाम अलैकुम जी। आगे लाहौर से? खैर से आगे ना? आगे हूँ सर जी। तो बैठो बैठो। आप आगे? साहब जी का मोबाइल भी आ गया। कौन सा मोबाइल? जब तुम्हारे फोन में आवाज आना बंद हो गई थी ना, तभी मैंने कहा था। आपने कब बोला था? ओए, ये चलाकियां ना मुझे दिखा, ये चलाकियां मैं खुद बहुत जानता हूँ। क्योंकि अक्सर बाजी जी का फोन आता है साहब जी की बेबी का, वो जब बड़ी फरमाइश करती हैं, इनके फोन में आवाज आना बंद हो जाती है। तेरा तो मैं ट्रांसफर करवाता हूँ ना ये। नहीं नहीं, मैं आपका कोरस हूँ, मैं अगर चला गया। जी साहब जी। ओए, सच बता फोन लाया कि नहीं? सर आप मेरा यकीन कर ले। और क्या यकीन करूंगा तुझ पर, अगर तू सच्चा है ना तो दे पैसे इधर, बिल्लू अब हवालदार जाके अभी नया मोबाइल खरीद के ले आएगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। नवाज जी आका हजूर है। बिल्लू ओ पमकड़, ओ यार जरा सुन तो सही। कहता है कि मेरे पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है और निकला है इंसाफ मांगने। वाह वाह वाह। ओए इतने गरीब आदमी को तो भीख भी मांगने से नहीं मिलती और तू इंसाफ लेने निकला है। ज्यादा मेरे साथ बातें और चलाकी नहीं करनी। ओए बिल्लू। जी साहब जी। निकाल इसको, ये सारा दिमाग खराब कर देगा मेरा और मेरा रियाज खराब कर देगा,
मैं इसको देखना नहीं चाहता, मैंने रियाज करना है। तुम्हें समझ नहीं आ रही साहब जी क्या कह रहे हैं? चलो निकलो, आज के बाद साहब जी के सामने नहीं आना, साहब जी का रियाज इधर उधर हो जाता है। जाता नहीं यार, मेरा ख्याल है ये सुर की जुबान समझ नहीं रहा, इसको अकल नहीं है, इसने मेरा दिमाग खराब कर देना। मैं रियाज कर रहा हूं, निकाल इसको। रियाज का नहीं पता तुम्हें? बाबा साहिब मेरी दुल्हन क्यों नहीं लाए? बाबा साहिब मेरी दुल्हन नहीं लाए, कब होगी शादी मेरी? क्या हर वक्त दुल्हन दुल्हन की रट लगा रखी है? ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो, शादी शादी लगा रखी है। जाओ, उठो यहां से। जाती क्यों नहीं हो? ठीक है, गुस्सा ना करो, तो आ रहा हूं। हेलो, हाँ पुत्र, मैं कराती हूँ अभी। सिकंदर, सिकंदर पुत्र। जी पुप्पो। ये तेरे दोस्त रशीद का फोन आया, उससे बात कर ले। ये ले पुत्र। हेलो। ओए सिकंदर, ये क्या हरकत कर दी तूने? वहां से लड़की भगा कर ले आया? मेरे 20 साल के ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। उनकी लड़की वापस कर, वरना जो तेरा हशर करेंगे वो तो जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो हेलो, तू बोल क्यों नहीं रहा? हेलो, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। रशीद। सरकार, मेरी बात हुई है सिकंदर से, उसने फोन बंद कर दिया। हम उसकी सांस बंद कर देंगे, तुम सिर्फ ये बताओ कि वो है कहां पे। वो अपनी पुप्पो के घर है। जिस नंबर पे तुम्हारी उससे बात हुई है वो नंबर मुझे भेजो। सरकार, मैं अभी सेंड करता हूँ। तुम मुझे नंबर सेंड करो, आगे मेरा काम है। जमीन क्या पाताल से भी निकाल के ले आऊंगा उसको मैं। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे हाथ से फोन गिरकर टूट गया। इस घर में बहुत कुछ टूट फूट गया है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें न्याय ले लूं। टूटी हुई चीजें बाजार से नहीं मिलती,
मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि माही आपके फार्म हाउस में कैसे पहुंची। वो घर से भाग के जिस सहेली के पास गई थी वही उसे मेरे फार्म हाउस पे लाई थी। ये वही सहेली है जो आपको बहुत पसंद आ गई थी। तुमने फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी। मेरा क्या वास्ता माही की किसी सहेली से? माही से मेरा वास्ता है क्योंकि वो मंग है मेरे बेटे की। मुझे लगता है आपके फूफो की बेटी सलमा को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। शायद नहीं, यकीनन वो आपको चाहती है। मैं उसे नहीं चाहता। तुम टेंशन ना लो, पागल सी लड़की है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, वफा, ये एहसास अब दिलों से निकलकर किताबों में ही खामोश लफ्जों की तरह सो रहे। मोहब्बतें वही हैं जो इंसानों के दिलों पर आसमानों से उतरती हैं। ये ऊंचे लोगों के छोटे ज़र्फ मोहब्बत को महज चार हर्फ समझते हैं। जब चाहा लिख लिए, जब चाहा मिटा दिए। आई
की दसा मैं दिल दा हाल तैनू मां दे विछोड़िया खा लिया सानू दुखा पा लिया जाल मैनू मुझे समझ नहीं आ रही कि माही खुशबख्त के फार्म हाउस पर पहुंची कैसे। जब पतंग डोर से कट जाए तो वो कहीं भी गिर सकती है और किसी के भी हाथ आ सकती है। मालिक, वकील साहब आए हैं। बैठाओ उसे। अच्छा जी। मालिक आ रहे हैं। आए वकील साहब, कैसे मिजाज है? बैठे। बस आप ही की ड्यूटी दे रही हूं। नवाजिश है आपकी? नवाजिश नहीं, जिम्मेदारी कही। हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है और वहां से हमें 20 तारीख मिली है। उम्मीद है हम हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का फैसला मुस्तर्द करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो सरकार, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बस वो नंबर दे दें जिस पे सिकंदर के दोस्त ने बात की थी। मैं उसका कंपनी से बायोडेटा निकलवा लूंगा, सारा पता करवा लूंगा। बस आप थोड़े से पैसे भी अगर दे दें तो। पैसों की परवाह नहीं है, तुम पता लगाओ कि वो दोनों कहां छुपे हुए। ओए मुंशी। जी सरकार। वो नंबर लिखवा दो एसएचओ को। हाय शाबाशी। बताओ। तुल्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह बादशाह कम हो अल्लाह जल्दी मलाये सरकार, वो आ रहा है। ये तो लगता है हमारे जहेज में हमारे साथ आया। लोग हमसे डरते हैं, हम साईं लोग से डरे जा रहे हैं। क्या कुछ तरपुसर कर रहे हो? कुछ नहीं सरकार, बस। जी सरकार, इजाजत। चलो ओए ठहर जा पीछे चल, चल तू। जब गोली मरवानी हो तो जूनियर को आगे कर देते। पीछे हट जा, चलो आओ। शाबाश। वैसे ना मुझे आप पे बहुत सा गुस्सा है। क्यों सरकार, क्या गुस्सा है जनाब? अगर ये वर्दी वाला ठीक हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। धोने के लिए दूंगा, ठीक हो जाएगी। हाँ जी। मरना नहीं है सरकार? आपने नहीं मरना, आपने स्टे लिया हुआ है। सरकार आप सिर्फ फौदगी की खबर देते हैं, आपको खुशी की खबर भी दे दिया करें। मुझे समझ नहीं आती, जब मरना है तो फिर डरते क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह, जदो मरना ही है। फूल है, कबर है, जनाजा है, कलमा शहादत। बेटा तू चल, मैं आता हूँ। अल्लाह साहब जी है तो साएंगे, लेकिन बात बहुत अच्छी करके गया। कल असर के बाद कुलों का टाइम दे दूं मैं आपका। तेरा मुंह ही फौतगी वाला है, चल आ गया लग। अल्लाह मरना है, जनाजा है। चले जाओ नहीं तो इधर ही मार दे। खोलो दरवाजा। अल्लाह। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील तो दायर कर दी है, लेकिन वो सेशन कोर्ट का फैसला मुस्तरद करवाने में कामयाब नहीं होंगे। कौन सी डेट मिली है आपको?
इस माह की 20। ठीक है, आप केस की तैयारी करें, इंशाल्लाह 20 को कोर्ट में मुलाकात होगी। ये कुछ पैसे रखें आप। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं। इंशाल्लाह। बस रोती रहती है, पहले बेटी के दुख में, अब तेरे रोग में। माही तो मेरे वजूद का हिस्सा थी, पर जो हमारी जिंदगी में बेटी की महरूमी का एक जख्म था, बाबरी तू तो उसकी मरहम है। हशर का दिन तो एक माँ के लिए वो दिन होता है जब उसका बेटा मर जाए। खुशबख्त का साईं लोग बहुत परेशान करता है मुझे, कभी कब्र की बात करता है, कभी कब्र के अजाब की बात करता है। दिल तो करता है उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं, लेकिन क्या करूं, खुशबख्त का लिहाज आड़े आ जाता है। ओ छोड़ें साहब जी, जैसा बाप वैसा ही बेटा, जरा सी तमीज नहीं बेटे को सिखाई वो खुशबख्त बाप ने। तेरे बाप ने सिखाई है क्या साहब जी? तुझे पता नहीं है कि सीनियर के बराबर नहीं बैठते? उठा! जी, बैठ! जी सर। अपनी औकात में रहा कर। सॉरी सर। साहब जी आपका फोन आ रहा है। हेलो सर, नबील बोल रहा हूं, आपका पहले वाला नंबर बंद जा रहा था। तेरे दुख से तो मैंने नंबर चेंज किया है। तुझे ये नंबर किसने दिया है? आपके हवालदार ने। तुझे नंबर देने की क्या जरूरत थी? एक तो तेरी तेजियां मुझे परेशानियों में डाल रही हैं। ओए नवाज। जी आखा हजूर, जी आखा। ये नंबर ट्रेस करो। ये नंबर किसका है साहब जी? इस नंबर पे सिकंदर ने किसी से बात की है। हमें किसी और जगह का अरेंज करना पड़ेगा। और जगह का क्यों? वो पुप्पो के नंबर से मेरी रशीद से बात हुई थी। कौन रशीद? रशीद मेरा दोस्त है, वो उसने खुशबख्त के फार्म हाउस में मुझे गार्ड की नौकरी दी थी। तो
तो ये कि वो रशीद के जरिए यहां तक पहुंच जाएंगे। और तुम्हें पता है ना कि आजकल फोन स्ट्रेस हो जाते हैं, हम दोनों पकड़े जाएंगे।